हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस करा था, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं आपके पेपर्स के, चाहे वो किसी भी ईयर के हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, तो आप यू नो फटाफट हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको फोन नंबर स्क्रीन पर भी फ्लैश आउट हो रहा होगा, साथ ही साथ आप हमें यू नो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा फोन नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमसे यू नो डायरेक्टली बात करके हमारे जो नोट्स हैं आप उनको परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि आपकी ट्यूशन फी का यू नो एक मंथ का ट्यूशन फी है। एक महीने का जो आपका ट्यूशन फी होगा, आपको बस उतने में ही सारे के सारे पेपर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ये रहा नोट्स का प्रमोशन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं फिर हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर। तो देख लेते हैं सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इंक्रीज्ड आइसोलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आइसोलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, आप लोगों से एकदम हट करके काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो आपका प्रोफेशनलिज्म है वो भी बहुत हद तक घट जाए, जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका स्किल है, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड आइसोलेशन होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। सो वर्किंग फ्रॉम होम में बी एक्सट्रीमली आइसोलेटेड आइसोलेटिंग इफ एम्प्लॉइज स्पेंड द मोस्ट ऑफ देयर टाइम अलोन वर्किंग ऑटोनोमसली, ठीक है ना। सो किसी भी इंप्लॉय के लिए यू नो अगर घर से वो काम कर रहा है, तो वो डेफिनेटली घर में थोड़ा सा अलग बैठ करके ही काम करेगा, सबके साथ मिलकर के तो वो बैठ के काम नहीं कर सकता। सपोज उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है या कोई भी है, तो उनसे बैठ बातें करके तो काम से काम नहीं कर सकता, काम करने के लिए उसको फिर अलग होना पड़ेगा। तो वो जब आइसोलेशन उसके लाइफ में आता है, जब लोनलीनेस उसके लाइफ में आता है, तो वो समटाइम्स उनको बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट भी करता है, ठीक है ना। सो टू अवॉइड लोनलीनेस एंड आइसोलेशन एज ए रिमोट वर्कर, प्लानिंग ट्रिप्स एंड एक्टिविटीज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी हेल्पफुल। तो इस केस में आप क्या करोगे, हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान कर ली, किसी रिमोट वर्कर में आप किसी जगह पर अगर आप काम कर रहे हो, तो अपने प्लेन यू नो कोई ट्रिप प्लान कर लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा यू नो चिल आउट कर लिया, तो उस केस में ये चीजें जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये आइसोलेशन का प्रॉब्लम भी बहुत हद तक देखा गया था, जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे भी हमें ये देखने को मिला था। टू इनहेंस सोशियबिलिटी, सेवरल रिमोट ऑर्गेनाइजेशंस हैव फ्रीक्वेंट टीम गैदरिंग्स, है ना। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए जो सोशियबिलिटी है, जो आपका यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना होता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आप ऑफिस जाकर के काम कर सको, तो उस केस में सोशल गैदरिंग की जाती है, सोशियबिलिटी को बढ़ाने के लिए यू नो लोगों को बुलाया जाता है, टीम गैदरिंग की जाती है, ताकि लोग थोड़े से सोशलाइज हो जाएं, लोग उनके साथ मिलें, तो उनकी जो लोनलीनेस है वो भी दूर हो जाएगी और उनका थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा माइंड। तो ये इंक्रीज आइसोलेशन एक प्रॉब्लम है जो कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर में देखने को मिलता है। दूसरा है होम ऑफिस कॉस्ट, है ना। तो समटाइम्स जब आपको घर पे काम करना है, जब आपको ऑफिस घर पे लेकर के आना है, तो आपको हो सकता है नया लैपटॉप खरीदना पड़े। ऑफिस में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, घर पे आप काम करोगे तो आपको कंप्यूटर लगेगा, राइट। तो उसका खर्चा, वायर का खर्चा, इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा, है ना, डेस्क चाहिए, चेयर चाहिए, उन सब का खर्चा। तो एक तरीके से आप अगर घर पे अपने ऑफिस को करते हो, तो उसके लिए आपको फिर अलग से खर्चे भी करने पड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आपके लिए होने लगता है। सो सम डिस्टेंट लोकेशन नीड द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, सच एज आपको हेडफोन की आवश्यकता है, कैमरा चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट यू नो क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉई शुड एंटिसिपेट पेइंग सम इनिशियल फीस to have their home office organized if they want to put up a desk, chair and other furnishings, है ना। तो इस तरह के खर्चे आपको करने पड़ेंगे अगर आप अपने घर में ऑफिस को लेकर के आओगे और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है ओवर वर्किंग रिस्क। समटाइम्स ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब आप घर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका बॉस आपको बोलता है कि जब भी तुमको मौका मिले तुम भेज दो मुझे। ऑफिस वर्किंग आवर में क्या है कि आपने 8 घंटे काम करे, उसके बाद आपके लिए छुट्टी ही छुट्टी है, आप आराम से, आपको कुछ और नहीं करना, किसी और टाइम पे नहीं जाना, किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं है ऑफिस के बारे में। लेकिन जब आप घर से काम कर रहे होते हो, तो आपका बॉस कभी भी आपको फोन करके बोल देता है कि देखो ना ये चीज बाकी रहेगी, इसको थोड़ा सा काम कंप्लीट कर दो, किसी भी टाइम 24/7 तक आपका काम हो जाता है ना। आपका जो टाइम पीरियड है वो बंधा हुआ नहीं रहता, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ओवर वर्किंग का भी रिस्क होता है, यहाँ पे जहाँ पे लोग जो है एक तरीके से इरिटेट हो जाते हैं अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी के साथ। तो टेली कम्युनिटी ऑल्सो कैरीज द रिस्क ऑफ वर्किंग मोर आवर्स देन नेसेसरी, समझ रहे हो। तो जो नेसेसरी आवर है उससे भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ती है समटाइम्स इस मामले में। सो दिस में अनडाउटेडली रिजल्ट इन बर्नआउट एंड इंक्रीज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, है ना। तो इसके कारण से बर्नआउट हो सकता है, आप यू नो भीतर से जल सकते हो, और साथ ही साथ आपका जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो भी बढ़ सकता है। एक टाइम के बाद आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है जैसे ही आप ऑफिस से निकलते हो, लेकिन घर पे अगर आपका ऑफिस है, तो इसका मतलब आप 24/7 ऑफिस के काम में ही बिजी हो, तो आपका स्ट्रेस आपके दिमाग पे रहेगा ही रहेगा,
है ना, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। वन में अवॉइड दिस बाई केयरफुल स्टैब्लिशिंग देयर टाइम टेबल एंड असाइनिंग डेडिकेटेड पीरियड्स फॉर वर्क एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। जब आप घर पे काम कर रहे हो तो आपकी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने पीरियड्स को डेडिकेट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस घंटे में मैं ये काम करूंगा, उस घंटे में वो काम करूंगा, उस घंटे में वो काम करूंगा, इस तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ओवर वर्किंग करने लगोगे और ओवर वर्किंग करने के कारण आपको स्ट्रेस होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिस्क भी आपके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। फॉर सम पीपल हैविंग अ डिफाइंड वर्क स्टेशन That they leave when the work day is done is essential. कुछ लोगों के लिए डिफाइंड वर्क स्टेशन होना मतलब ऑफिस में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर दैट अगर वो लोग ऑफिस में रुक गए ना तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ काम है होता ही उस तरीके का है जहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। चौथा है प्रोडक्टिविटी रिस्क। तो प्रोडक्टिविटी रिस्क होने का भी चांसेस है, आप अगर घर में बैठ के काम करोगे और अगर आप थोड़े से मस्ती खोर हुए तो आप दिन भर लेटे हुए हो सोफे पे, आप दिन भर मस्ती कर रहे हो, तो उस केस के लिए तो फिर आपका जॉब प्रोफाइल नीचे गिरेगा, आपकी एफिशिएंसी नीचे गिरेगी, कंपनी को लॉसेस होंगे, राइट। तो प्रोडक्टिविटी में भी बहुत हद तक असर पड़ने लगता है। तो वर्किंग फ्रॉम होम माइट इनहेंस प्रोडक्टिविटी बट इट कैन ऑल्सो बी अ डिफिकल्टी। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है लेकिन साथ ही साथ ये प्रोडक्टिविटी को घटा भी सकता है, मतलब ये एक प्रॉब्लम भी आपके लिए हो सकता है। कैसे? विद द एबिलिटी टू रूम अराउंड द डेस्क breaks whenever one wants it may to talk to be keep focused on the activities he is working on, है ना। क्योंकि वो घर में है तो जब मर्जी वो अपने डेस्क से उठ गया, कुछ और काम करने लगा, कुछ और करने लगा, तो उसके कारण से आपकी एफिशिएंसी घटती है, है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बंदा जिसको जो काम असाइन किया गया है वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर के करे, बट अगर वो नहीं करेगा तो उससे आपकी कंपनी को भी लॉस होगा और जो बंदा है उसको भी लॉस होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। दे कैन इवेंचुअली लीड टू प्रॉपर प्रोडक्टिविटी पुअर प्रोडक्टिविटी सॉरी पुअर प्रोडक्टिविटी इंप्लीमेंटिंग प्रोडक्टिविटी टूल सच एज टाइम ट्रैकर एंड टास्क मैनेजमेंट एप्स इन वन मेथड टू फाइट दिस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको टाइम ट्रैकर लगाना होगा, आपको टास्क मैनेजमेंट ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप प्रोडक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है उसको आप टैकल कर पाओ, राइट। ये बहुत जरूरी है। अगला है एट होम डिस्ट्रैक्शन। अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है, राइट। ये तो होगा ही होगा क्योंकि आप घर पे काम कर रहे हो, वाइफ ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, आपको उठ करके निकलना पड़ा या कुछ भी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे पक्का ही पक्का है। तो एट होम डिस्ट्रैक्शन होता ही है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो डिस्ट्रैक्शन सच एज टेलीविजन, आपको सपोज घर पे अगर टीवी है तो आप थोड़ा सा टीवी देखने लगे घर पे बैठे हुए हो, कुत्ता अगर आपने पाल रखा है घर पे, डॉगी पाल के रखा है, तो थोड़ा कुत्ता कुत्ता सादा टॉमी, पता नहीं वो कौन सा गाना था, तो पता नहीं शायद कुत्ता नाम सुनकर के आप लोगों को बुरा लगा हो, आई डोंट नो। तो डॉग पाल करके रखा हो या फिर कोई डोमेस्टिक टास्क हो आपका, अगर उस काम में अगर आप अगर आप काम कर रहे हो और ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगेगी, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है। टू मेनी डिस्ट्रैक्शन माइट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। अब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अगर होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन ऑटोमेटिक घट जाएगी, राइट। सो इम्प्लॉइज में अवॉइड दिस बाई कीपिंग एवरीथिंग डिस्ट्रैक्टिंग इन द हाउस टू मिनिमम, है ना। तो एक बंदा क्या कर सकता है कि अपने घर में इस तरह के जितने भी डिस्ट्रैक्शन उन सबको थोड़ा सा दूर रख सकता है, दूर रहने की कोशिश कर सकता है ताकि उसके डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो और वो अपने काम पे फोकस कर सके। टू फिल्टर आउट डिस्टर्बेंसेज लाइक ट्रैफिक, नेबरहुड एक्टिविटीज, यूजिंग नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स एंड लिसन टू पीसफुल म्यूजिक कैन बी हेल्पफुल, है ना। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है जैसे कि ट्रैफिक का आवाज हो गया या नेबरहुड में कोई चिल्ला रहा है, आपस में झगड़ा कर रहा है, तो उस चीज की आवाज आप तक आ रही है, या फिर कुछ काम अगर आपके नेबरहुड में हो रहा है जो कि होना इंपॉर्टेंट है, उसकी आवाज आपके कानों तक आ रही है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो उस केस में आपको नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप पीसफुल गाना सुन करके अपना काम जो है वो कर सको, राइट। वर्क प्लेस डिस्कनेक्ट। अब जब आप अपने वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको काम करने का मन नहीं करता है, तो ये वर्क प्लेस डिस्कनेक्ट भी एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। तो टेलीकम्युनिटिंग माइट ओकेजनली कॉज अ स्किज्म बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। वर्किंग फ्रॉम होम इंप्लाइज दैट दे वोंट हैव रैपिड एक्सेस टू एसेंशियल बिजनेस प्रोसीजर्स अंटिल समवन इज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्स देम, है ना। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका जो रैपिड एक्सेस होता है, जब आप किसी फिजिकल जगह पे काम करोगे, आपका बॉस आपसे आकर के मिल रहा है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी उसको चाहिए, वो आपको आकर के बोलेगा। पर अगर आप घर पे हो तो समटाइम्स बोलेगा, समटाइम्स नहीं बोलेगा, समटाइम्स बोलेगा तो बहुत ही कड़े तरीके से बोलेगा, तो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, जिसके कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर में। सो व्हेन दे हैव क्वेरीज और कंसर्न, जब भी उनको क्वेरी या कंसर्न होगा या फिर तो उनको बार बार फोन करना पड़ेगा,
तो उसके कारण से भी लोग जो हेरिटेट हो जाते हैं, दे नीड टू मेक श्योर टू कीप इन टच विद देयर एक्चुअल वर्क प्लेस थ्रू आउट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट, है ना। फ्रीक्वेंटली आपको कॉन्टैक्ट कर करके यू नो काम करना पड़ेगा, तो दिक्कत होती है। सातवां नंबर पॉइंट है अनबैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। अगर आप घर पे रहोगे तो आप अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत होगा, आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा फिर, तो आपको टाइम देने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऐसे आपको पता है कि ऑफिस का टाइम ये से ये है, तो ये टाइम मैं ऑफिस में रहूंगा, बाकी टाइम घर पे जाऊंगा तो घर के काम कर लूंगा। पर अगर आप घर पे रह के काम करोगे ना, तो आपका घर और ऑफिस का टाइमिंग जो है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अनबैलेंस होने लगता है। सो वर्किंग फ्रॉम होम अलाउज इम्प्लॉइज टू कंबाइन देयर फैमिली लाइफ विद देयर एम्प्लॉयमेंट, बट इट मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ क्लियर डिविजन बिटवीन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जब आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाओगे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। Setting clear limits between work and personal time and expanding these boundaries to everyone in the household may help to get a proper work-life balance, है ना। तो अगर आप ये चीजें कर पाते हो बिटवीन, अगर आप चीजों को बैलेंस कर पाते हो बिटवीन योर वर्क एंड पर्सनल टाइम, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आप काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट कई सारे लोग इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज वाई इट इज इन द लिस्ट, है ना, कि अनबैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, नाउ द 8th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन फेस टाइम, ठीक है। देयर इज अ लेस फेस टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन एंड जॉब सेपरेशन। वर्किंग रिमोटली मींस एम्प्लॉइज मे नॉट हैव द सेम पॉसिबिलिटीज टू इंटरैक्ट विद कोवर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अनलेस दे गेट आउट एंड अबाउट, है ना। तो यहाँ पे फेस टाइम आपका नहीं हो रहा है। फेस टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी से मिलते हो, जैसे कि जब मैं चैट करता हूँ फेस टू फेस, तो उसको हम फेस टाइम बोलते हैं, राइट। तो आपका फेस टाइम इंटरेक्शन बहुत हद तक घट जाएगा अपने को वर्कर्स के साथ, अपने इम्प्लॉइज के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जब इंटरेक्शन घट जाता है ना, तो अब बात जो है फोन पे भी बहुत कम होने लगती है। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने फोन नहीं किया सही टाइम पे, लेट से फोन करा, तो आपका बिजनेस जो काम है वो एक तरीके से रुक गया, राइट। फोन पे हालांकि वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन फेस टू फेस चीजें जो समझ में आती हैं वो फोन पे कई बार समझ में नहीं आती। सो रिडक्शन इन फेस टाइम इट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर। सो कनेक्ट विद को वर्कर्स द एम्प्लॉयज मे नीड टू इनकॉर्पोरेट मोर फेस टू फेस इंटरेक्शंस इनटू ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप वीडियो पे चैट करके एक दूसरे को देख पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को समझ पाओगे और बता पाओगे, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम कल्चर। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।